अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपको दो बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स के बारे में बताऊंगी जिसके लीव्स रियली बहुत खूबसूरत होते हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसको पर्पल शैमरॉक कहते हैं। इसके अलावा इसको ऑक्सेलस ट्राइंगुलरिस भी कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा प्लांट है ये भी बहुत खूबसूरत है, ये है क्लेडियम का। इसकी बहुत सारी वैराइटीज़ होती है और इसके भी एक दो वैराइटीज़ होती हैं। और ये दोनों प्लांट जो हैं वो अब बिल्कुल समझिए डोरमेंसी में जाने वाले हैं, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और सर्दियों में इनके तकरीबन लीव्स झड़ने लग जाते हैं। पिछले साल भी मेरे दोनों ये जो प्लांट थे, यानी ये वाला क्लेडियम और इसकी ये वाली वैरायटी और साथ ही मेरी जो ये जो है पर्पल शैमरॉक, इनके सारे लीव झड़ गए थे और सिर्फ इसके बल्ब बचे थे। और अब हमें इसकी केयर कैसे करनी है इसके बाद भाई मैं आज हम बात करेंगे, क्योंकि अगर हमने इस टाइम पे इसको ज़्यादा पानी दे दिया या इसकी सही से केयर नहीं की तो फिर हमारे ये बल्ब ज़ाया हो जाएंगे और फिर ये बल्ब हमें दोबारा से लेने पड़ेंगे और दोबारा से फिर इनको लगाना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोग को आज इसके बारे में बता दूँ। अगर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो उन्होंने यकीनन मेरे ये इस प्लांट को देखा होगा और आपको यकीनन देखे मैं तो पानी डाल रहा है अभी इसके ऊपर, इसलिए कि इतनी हवा चल रही है और ये डस्ट उड़ रही है। तो मैंने कहा चलो जरा इसको धो लूँ, साफ कर लूँ। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर यकीनन देखा होगा कि मैं कितने छोटे छोटे से ये प्लांट एक लाई थी और देखे मैंने इनको मल्टीप्लाई करके दो प्लांट कर लिए। तो इसको मल्टीप्लाई भी बहुत अच्छे तरीके से आराम से कर लिया जाता है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत ही कलरफुल प्लांट है। तो हमें करना क्या है अब इसके लिए? हमें करना ये है कि अब हमें इसको समझिए पानी बहुत ज़्यादा, सबसे मेन चीज़ इसका पानी है। और अगर आपने वाटर ज़्यादा डाल दिया तो आपके ये दोनों प्लांट के जो अंदर बल्ब होंगे वो गल यानी फंगस लगना शुरू हो जाएगा, रॉट हो जाएंगे। लिहाजा आपने पानी अब बहुत चक्के डालना है। आप ही देखिए कि मेरे दोनों ही प्लांट के देखिए ये सूखे हुए हैं। आप ये देखिए बिल्कुल सूखे में है, इसलिए कि पानी हमें बहुत चेक करके डालना है। आप देखें कि अगर हल्का सा भी मॉइस्ट है तो आपने पानी बिल्कुल नहीं डालना है। और इसी तरह अगर आपको लगे कि क्लेडियम में भी पानी है तो आपने पानी नहीं डालना है। चार पाँच दिन में आप एक दफ़ा पानी डाल दीजिए। और आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको लगे कि क्लेडियम के सारे ही लीव्स झड़ गए हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे एक दो लीव्स रहते हैं लेकिन हम पानी डालते रहते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपने। आपके एक दो चूँकि ये सारे सूखने, देखिए आप ये देखिए आप मेरा इतना बड़ा जो है ये भी ख़राब हो ख़त्म होना शुरू हो गया है। और यहाँ देखिए ये भी एक देखिए लीव सूख गया है। इसी तरह आप इसके देखिए इसके भी सूखने शुरू हो गए। तो इन सबों के अब लीव जो हैं वो ये देखिए सूखने शुरू हो रहे हैं, सब ये ड्राई हो जाएंगे। लिहाजा आपने फिर इनको या तो आपने इस पॉट को किसी भी ऐसी जगह रख देना है जहाँ आप रोज़ाना पानी ना डालें, एक साइड में कर दीजिए, इसी के अंदर बल्ब रखे रहेंगे। हफ्ते में एक दफ़ा आप थोड़ा सा पानी डाल दिया कि थोड़ा सा मतलब छिड़काव कर दिया कि थोड़ा सा वो नम हो जाए, बस फिर आपने छोड़ देना है। फिर जब दोबारा से जैसे ही फरवरी का महीना आएगा, ऐसे ऐसा गर्मियाँ स्टार्ट होंगी, ये दोबारा से इनके अंदर से ऐसे ही प्यारे प्यारे से लीव्स निकलना शुरू हो जाएंगे, ब्रांचेस निकलनी शुरू हो जाएंगी और दोबारा से हमारा प्लांट ग्रो कर जाएगा। लेकिन पानी का मैं आपको बार बार कहूँगी कि आपने पानी का बहुत ख्याल रखना है। और आप इनको निकाल कर भी समझिए आप इनको सेव कर सकते हैं। आपको लगे कि सारे आपके लीव सूख गए, आप इनको आराम से बर्फ निकालिए और किसी भी जगह पर आप पहले हल्का सा उसको ऐसी जगह रखिए, धूप में मत रखिएगा, शेडी एरिया में जहाँ वो हल्के से ड्राई हो जाए। फिर आप उसको किसी भी मिट्टी में, जो बालू मिट्टी हो सैंड हो, उसमें डाल के आप आराम से कहीं रख दीजिए या किसी कागज़ में रख के टिशू में लेके आप उसको थोड़ा सा ओपन रखिए, बिल्कुल बंद नहीं कीजिएगा, सही है, थोड़ा सा ओपन रखिएगा। कभी कभी आप पानी का थोड़ा सा टिश्यू के ऊपर या उसके ऊपर स्प्रे कर दीजिएगा, बस आपने ये करना है। और फिर आपके दोबारा से, और मैं तो ये करती हूँ, मैं निकालती नहीं हूँ, मैंने एक दफ़ा निकाला था उसके बाद से मैंने ये पॉट ही साइड में रख देती हूँ, बस फिर उस पॉट में पानी नहीं डालती हूँ, बिल्कुल ड्राई छोड़ देती हूँ। कभी हफ्ते में एक दफ़ा ज़रा सा पानी डाला, वरना वो भी नहीं डालती हूँ। और जैसे ही मौसम स्टार्ट होता है दोबारा से हमारे ये प्लांट निकलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे आजकल का सीज़न है ना, आपने इसको फर्टिलाइज़र भी नहीं डालना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और अभी आप इनको ऐसी जगह रखिएगा जहाँ मॉर्निंग की डेढ़ दो घंटे की धूप आ जाए, क्योंकि सर्दियों का मौसम है, डेढ़ दो घंटे की धूप आएगी तो बहुत अच्छे तरीके से ये अभी काफ़ी अर्से तक अभी आपके सर्दियों में थोड़ा सा चलते रहेंगे। उसके बाद इनके लीव ड्राई होने शुरू हो जाएंगे। तो ये आपने करना है। तो अभी से आपने अपने इस खूबसूरत से प्लांट की केयर करनी है ताकि हमारे ये अगले साल दोबारा से बहुत अच्छे ग्रो करें। और कोई इसकी आपको केयर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस यही दो चीज़ें, पानी में आपने पानी नहीं डालना है ज़्यादा, और आपने इसको ऐसी जगह रखना है जहाँ मॉर्निंग की एक से डेढ़ घंटे की, दो घंटे की डायरेक्ट सनलाइट इसको मिल जाए, उसके बाद बस। तो फिर इंशाल्लाह
आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।